अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ और राष्ट्रीय डाक सेवक संघ का आह्वान पर ग्रामीण डाक सेवकों की दो दिन पहले शुरू हुई देशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल का आज तीसरा दिन है। जडवाना जिले भर के ग्रामीण डाक सेवक भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हड़ताल की वजह से ग्रामीण क्षेत्र के डाक विभाग की सेवाएं ठप हो चुकी है। गौरतलब है कि ग्रामीण डाक सेवक लंबे समय से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलनरत है। ग्रामीण डाक सेवक 8 घंटे की ड्यूटी व पेंशन सहित सभी लाभ देने की मांग कर रहे हैं। आंदोलनरत ग्रामीण डाक सेवकों का कहना है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक हड़ताल जारी रहेगी। वहीं नागौर जिले के डाक अधीक्षक रामावतार सोनी ने कहा कि हड़ताल से ग्रामीण क्षेत्र की डाक सेवाएं प्रभावित हो रही है। इनके लिए डाक वितरण सही डाक सेवाओं के लिए वैकल्पनिक व्यवस्थाएं की जा रही है ताकि ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीणों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। हमारी हड़ताल तो है जो कंटिन्यू रहेगी जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी। हमारी फर्स्ट मांग तो ये है कि हमें परमानेंट किया जाए। 5 घंटे की ड्यूटी के नाम से हमारा शोषण किया जा रहा है। नाम 5 घंटे का है जबकि 8 घंटे 9 घंटे का कोई टाइम टेबल नहीं है इनके पास में। दूसरी चीज कि परमानेंट हमें परमानेंट किया जाए। तीसरी हमारे जो है पेंशन लागू किया जाए। आज एक MLA 5 साल MLA रहता है। ये 12 तारीख से जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल है ग्रामीण डाक सेवक। तो अभी लगभग हमारे नागौर जिले के जो है 40% कर्मचारी जो है वो हड़ताल पे हैं और वो डाकखाने बंद हैं। बाकी सभी डाकखाने अभी चालू है, डाक वितरण हो रही है। और जो शहरी क्षेत्र में है जहाँ पे ग्रामीण डाक सेवक लगे हुए हैं वितरण के लिए, वहाँ पे हमने जो है हम सब राजस्थान सर्कल के नागौर डिवीजन के सभी जो ग्रामीण डाक सेवक हैं वो 12 दिसंबर 2023 से जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल हमने घोषित की है उसके तहत हम सब 12 तारीख से इस हड़ताल पर बैठे हैं। और हमारी सबसे मुख्य मांग ये है कि हमें परमानेंट किया जाए तथा हमारी जो 4-5 घंटे की ड्यूटी के नाम पर हमारा शोषण हो रहा है।